नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इन्वर्स फंक्शन के बारे में जानेंगे। इन्वर्स फंक्शन, मान लीजिएगा एक फंक्शन है मेरे पास में f, माना f है वो a से b में अकेकी अक्षाधक फलन है, अकेकी अक्षाधक फलन है। तो f का प्रतिलोम, प्रतिलोम फलन f इनवर्स विद्यमान होगा, ठीक है। तथा f इनवर्स ये होगा मेरे पास में b से a में, और इस प्रकार से होगा सच दैट f इनवर्स B इज इक्वल टू A, वेयर एफ ए इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू B, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में इन्वर्स फंक्शन की हो गई परिभाषा, ओके। और इसके बारे में अपने को गहराई से जानने के लिए अकेकी और अच्छाधक इन दो शब्दों पे जाना होगा, ठीक है। तो फलन है वो अकेकी फलन भी होता है और बहुअकेकी फलन भी होता है, और अच्छाधक फलन भी होता है और अंतरक्षेपी फलन भी होता है। तो सबसे पहले तो अपन इन शब्दों के बारे में जानते हैं, ठीक है। अकेकी फलन कौन से होते हैं, तो मान लीजिएगा मेरे पास में ये एक समुच्चय है ए और ये एक समुच्चय है बी, ठीक है। ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर इसके एलिमेंट, और इसके एलिमेंट है बी वन, B2, B3, B4, B5, ठीक है। मान लीजिएगा A1 का रिलेशन है B1 से, और ये एक फलन था F A से B के अंदर, A1 का रिलेशन है B1 से और A2 का रिलेशन है B2 से, A3 का रिलेशन है वो B2 से ही है, और A4 का रिलेशन है वो है B4 से, ठीक है। तो ये फलन बहुअकेकी है। ये बहुअकेकी क्यों है, क्योंकि A के भिन्न भिन्न अवयवों, ये दो अवयव ऐसे हैं जिनका प्रतिबिंब समान है, ठीक है, तो वो फलन कहलाता है बहुअकेकी फलन। तो बहुअकेकी फलन की क्या परिभाषा होगी, कि यदि ए समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब समान हो तो वह फलन बहुअकेकी कहलाता है। और इसी प्रकार से अकेकी फलन की परिभाषा भी ऐसी हो जाएगी। मान लीजिएगा ये ए समुच्चय है और ये हो गया बी समुच्चय, ठीक है, और इसके अंदर अवयव है ए वन, ए टू, ए थ्री और ए फोर, इसके अंदर है बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर और बी फाइव, मान लीजिएगा ये, ठीक है। और मान लीजिएगा इसका संबंध ये है, इसका संबंध इसके साथ में, इसका संबंध इसके साथ में और इसका संबंध इसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कोई भी दो अवयव ऐसे नहीं है जिनका प्रतिबिंब समान हो, तो ये हो गया मेरे पास में अकेकी फलन, ठीक है। तो अकेकी फलन के लिए तो क्या होता है कि ए यदि ए के भिन्न भिन्न अवयवों, ये सारे भिन्न भिन्न थे और इनका प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न है, ठीक है। और यहाँ देखते हैं हम कि यहाँ भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब समान है, ए टू और ए थ्री का जो रिलेशन है वो किससे है, बी टू से है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये तो बहुअकेकी और ये अकेकी फलन है। तो क्या आपको अकेकी और बहुअकेकी में अंतर पता चला, तो अकेकी फलन की परिभाषा मैं लिखता हूँ यहाँ, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अकेकी फलन कौन से होते हैं, अकेकी फलन, ठीक है, यदि ए के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो तो वह अकेकी फलन कहलाता है, ओके। ये बात समझ आ गई आपको। अब हम करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि ये अकेकी फलन है या नहीं है। तो हम क्वेश्चन में इसे दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिएगा फलन है वो f है वो a से b के अंदर है, हमें अकेकी या बहुअकेकी सिद्ध करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फलन f a से b ले लिया मैंने, ठीक है, और मान लीजिएगा एक्स वन और एक्स टू ये दो अवयव हैं a के, ए कौन सा अवयव है, ये प्रांत है, ठीक है। तथा अब एक्स वन और एक्स टू को इक्वल टू नहीं लेकर चलेंगे, और इसे सरल करने पर अगर मान लीजिएगा एफ एक्स वन इज़ नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू आ जाता है,
फोर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए, फोर ऑल, ठीक है। तो एक तरीका तो ये, अगर ऐसी सिचुएशन होती है कोई भी भिन्न भिन्न अवयव लें, कोई भी दो लें और उनके प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न हो, तो ये हमारे पास में अकेकी फलन होगा, ठीक है। एक तरीका और भी है, दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका जानने के लिए मैं फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, मान लीजिएगा ये तो है ए समुच्चय और ये बी समुच्चय है, ठीक है। इसमें ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर और ये बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर एंड बी फाइव, ठीक है। जैसे देखिएगा ये मेरे पास में एक अकेकी फलन है, ठीक है, ये ऐसे रिलेशन है। तो हमने देखा कि ए के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न है, इसलिए ये अकेकी फलन है। मैं एक तरीके से और भी कह सकता हूँ, क्या बी के, बी में ऐसा कोई अवयव है जिसके दो पूर्व प्रतिबिंब हो? नहीं है ना। तो ये भी एक परिभाषा अकेकी फलन की है कि यदि बी में ऐसा अवयव विद्यमान नहीं हो जिसके दो या अधिक पूर्व प्रतिबिंब, तो वह अकेकी फलन कहलाता है, ठीक है। भी तो ये बात भी समझ आई आपको, अगर बी में अगर कोई ऐसा अवयव होता जिसके दो पूर्व प्रतिबिंब हो जाते तो वह बहुअकेकी फलन हो जाता है। तो हमने अकेकी के बारे में बताया ना, अगर ऐसा कोई भी अवयव नहीं है इसके अंदर जिसमें दो या अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो, ठीक है, तो वह फलन कैसा होगा? भी अकेकी फलन होगा। तो अब इसे हम गणितीय रूप में किस प्रकार से क्वेश्चंस के अंदर करेंगे, मैं इसके लिए बोर्ड को इरेज कर देता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं एफ है वो ए से बी में है तथा एक्स वन और एक्स टू ये दो अवयव लेंगे ए के, तथा साथ में एक चीज और लेकर चलेंगे, वो क्या, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू की वैल्यू बराबर लेकर चलेंगे, ठीक है। सरल करने से अगर मेरे पास में एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाता है तो फलन अकेकी है, ओके। तो क्वेश्चन में हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं और एक तरीका मैंने इससे पहले बताया था अभी कि हम क्या करेंगे, x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 लेकर चलेंगे और फिर x x1 सरल कर देंगे, यहाँ एफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू फोर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a, ये कंडीशन जरूरी है, ठीक है। सभी के लिए ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा है तो वो अकेकी है और इस प्रकार से भी हम अकेकी फलन है प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बहुअकेकी की परिभाषा बताता हूँ। तो हमने जाना कि जैसे मान लीजिएगा ये ए समुच्चय है और ये बी समुच्चय है, इसके अंदर एक्स वन एक्स टू एंड सॉरी इसके अंदर ए वन ए टू एंड ए थ्री एंड ए फोर, ये चार अवयव ले लिए और इसके अंदर बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव ये ले लिए, ठीक है। तो देखिएगा ये मेरे पास में बहुअकेकी फलन है एक, ओके। ये बहुअकेकी क्यों है? क्योंकि ए के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब समान है, ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा भी दो प्रकार से दे सकते हैं कि बी में यदि कोई ऐसा अवयव है जिसके दो या अधिक पूर्व प्रतिबिंब है तो बहुअकेकी फलन कहलाता है। जैसे मैंने अकेकी फलन की दो तरह की परिभाषाएं दी थी, वैसे बहुअकेकी फलन की भी हम दो प्रकार की परिभाषाएं दे सकते हैं। एक परिभाषा तो ये कि अगर ए के भिन्न भिन्न अवयवों, जैसे ये अवयव और ये अवयव भिन्न भिन्न है, के पूर्व प्रतिबिंब समान हो तो वह फलन बहुअकेकी फलन कहलाता है। और दूसरी परिभाषा क्या, यदि बी में ऐसा अवयव विद्यमान हो जिसके दो या अधिक पूर्व प्रतिबिंब है तो वह फलन बहुअकेकी फलन कहलाता है, ये बहुअकेकी, ठीक है भाई, ओके। तो जैसे हमने अकेकी के लिए किया था वैसे बहुअकेकी के लिए कर सकते हैं, अगर वहाँ प्रतिबिंब समान आ जाए। जैसे मान लीजिएगा पहली कंडीशन पहले इस प्रकार से किया था, एक्स वन इज़ नॉट इक्वल टू एक्स टू और सल किया एफ एक्स वन और एफ एक्स टू दोनों बराबर हो तो वह बहुअकेकी है, ठीक है। और दूसरे तरीके से भी इस प्रकार से कर सकते हैं, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लेकर चलेंगे अपन और सरल करने से एक्स वन इज़ नॉट इक्वल टू एक्स टू आ जाए, ठीक है,
या फिर एक से ज़्यादा आ जाए, एक्स वन इज इक्वल इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू, एक से ज़्यादा टर्म्स आ जाए, ठीक है, तो हम यहाँ ये कहेंगे कि ये फलन बहुअकीय है, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा और समझ में आएगा। तो अभी तो मैंने अकेकी और बहुअकीय के बारे में बताया, अब मैं आपको अच्छादक और अंतरचेपी फलनों के बारे में बताता हूँ। तो मैं बोर्ड को इरेज कर देता हूँ। अच्छादक फलन, और अंतरचेपी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जो अच्छादक फलन होगा वो अंतरचेपी नहीं होगा, जो अंतरचेपी है वो अच्छादक नहीं होगा। इसी प्रकार से अकेकी और बहुअकेकी भी एक दूसरे के पूरक ही हैं। अगर कोई फलन अकेकी है तो वो बहुअकेकी नहीं होगा, और कोई बहुअकेकी है तो वो अकेकी नहीं होगा। तो अंतरचेपी फलन, ठीक है। मान लीजिएगा ये मेरे पास में ए समुच्चय है और ये मेरे पास में बी समुच्चय, ठीक है। इसके अंदर ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, और इसके अंदर बी वन बी टू बी थ्री बी फोर, सपोज ये ले लिए और ये मैंने इनका रिलेशन कर दिया इस प्रकार से, ठीक है। क्या बी के सभी अवयवों का पूरा प्रतिबिंब है? नहीं, यहाँ एक बी फोर ऐसा बच गया कि जिसका पूरा प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर फलन एफ का जो परिसर है उसमें केवल ये तीन ही बिंदु होंगे और सहप्रांत बी है। तो यहाँ एफ का जो परिसर है, एफ का परिसर इज नॉट इक्वल टू सहप्रांत, एफ का सहप्रांत। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फलन है वो मेरे पास में अंतरक्षेपी फलन होगा, ठीक है। और यदि एफ का परिसर और सहप्रांत समान हो तो वह अच्छादक फलन होगा। अच्छादक फलन की हम परिभाषा किस प्रकार से देते हैं? देखो, ये तो था अंतरक्षेपी फलन, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि बी समुच्चय बी में सभी अवयवों का पूरा प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, ठीक है। इस कारण से यह फलन कौन सा हो गया? अंतरक्षेपी। तो अच्छादक किसे कहेंगे? ऐसा फलन जिस यदि बी समुच्चय में प्रत्येक अवयव का पूरा प्रतिबिंब विद्यमान हो, ठीक है, बी समुच्चय के प्रत्येक अवयव का पूरा प्रतिबिंब विद्यमान हो तो वो होगा अच्छादक फलन। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसे हटा देता हूँ, सपोज, ठीक है, हटा दिया मैंने यहाँ से। तो देखिएगा, अब मेरे पास में बी के अंदर तीन ही अवयव है, एक दो और ये तीन ही अवयव है, इसका भी पूरा प्रतिबिंब है, इसका भी पूरा प्रतिबिंब है और इसका भी पूरा प्रतिबिंब है। तो अब ये मेरे पास में हो गया अच्छादक फलन, ठीक है, अच्छादक फलन। तो मैं क्या करूँगा कि परिसर और सहप्रांत ज्ञात करूँगा, और अगर दोनों बराबर आ गए तो वो हो गया मेरे पास में अच्छादक फलन, और अगर दोनों बराबर नहीं आए तो वो मेरे पास में हो गया अंतरक्षेपी फलन, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई आपको? क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में इसके लिए हम परिसर ज्ञात करेंगे। परिसर ज्ञात करने की कई विधियां हैं, वो हम किसी और वीडियो में सीखेंगे। अभी हम इससे रिलेटेड है वो इन्वर्स फलन ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है भाई। मैं बोर्ड को इरेज कर देता हूँ। तो चलो, अब हम प्रतिलोम फलन ज्ञात करना सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लो आपको f है वो क्रमित युग्मों के रूप में दे रखा है। सपोज f है वन टू, वन टू और उसके बाद में टू थ्री एंड थ्री फोर, सपोज इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है, f फलन। तो f इनवर्स है वो अकेकी है। अकेकी क्यों है? क्योंकि a के यहाँ भिन्न भिन्न अवयव है, और क्या इनके प्रतिबिंब भिन्न भिन्न में है? एक का रिलेशन है वो दो से है, दो का रिलेशन तीन से, और तीन का रिलेशन चार से है। कोई भी दो ये समान नहीं है। अगर यहाँ कोई भी दो समान हो जाए, ठीक है, तो ये मेरे पास में हो जाएगा बहुअकीय, क्योंकि यहाँ कोई भी दो अवयव समान नहीं है ना, ये वाले इन सेकेंड अवयव को देखना आपने, ठीक है। तो ये फलन मेरे पास में अकेकी है। और दूसरी बात, ये यहाँ मेरे को सहप्रांत दिया नहीं हुआ है, अगर सहप्रांत दिया होता तो इससे पता चल जाता है कि ये अच्छादक फलन है। तो यहाँ चूंकि नहीं दिया हुआ है तो मैं इसका सीधा ही एफ इनवर्स लिखना चाहता हूँ, तो यही कहूँगा कि इसका एफ इनवर्स विद्यमान है और वो अकेकी तो है ही है ये, और अच्छादक फलन भी। और मैं यहाँ लिख दूंगा इसका इनवर्स, एफ इनवर्स हो जाएगा 2.1, और इससे हो गया 3.2, और इससे हो जाएगा 4.3, ठीक है भाई। चलो, मैं क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। क्वेश्चन ले लिया मैंने,
जैसे ए समुच्चय दिया गया मेरे को 1, 2, 3 और 4, ठीक है, और बी समुच्चय दिया गया मेरे को 2, 5, 10 और 17, ठीक है, और एफ एक्स दिया गया मुझे x² + 1, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो मैं एफ फलन ज्ञात करता हूँ। एफ फलन है मेरे पास में f(1), 1 रखेंगे तो ये मेरे पास में 2 आ गया, और 2 रखा तो मेरे पास में ये आ गया 5, और 3 रखा तो मेरे पास में ये वैल्यू आ गई 10, और 4 रखा तो x की वैल्यू 4 रखने पर ये मेरे पास में आ गया 17, ठीक है। मैं देखता हूँ कि ये कोई भी दो अवयव समान नहीं है, यानी कि f(a) के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न है, इसलिए ये अकेकी है, ठीक है ना। और ये अचादक फलन भी है क्योंकि इसका परिसर है, उसमें अवयव कौन कौन से आ रहे हैं, 2, 5, 10 और 17, और यही इसका सहप्रांत है, ठीक है ना, यानी कि परिसर सहप्रांत बराबर है, इसलिए एकेकी और अचादक फलन है। एकेकी और अचादक फलन होने के कारण एफ इनवर्स विद्यमान होगा, और एफ इनवर्स कितना हो गया मेरे पास में, ये इसका रिवर्स करके लिख देंगे तो 2,1, 5,2, 10,3 और 17,4, ठीक है भाई। ये हमने इसका एफ इनवर्स ज्ञात कर लिया, और ये बात लिखनी पड़ेगी कि एफ इनवर्स है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो होगा बी से ए में, यहाँ एफ है वो ए से बी में था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्रमित युग्मों की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि मैं थ्योरेटिकल करूँ, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकल के लिए मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिएगा मुझे क्वेश्चन में कहा गया है कि एफ है वो आर से आर में परिभाषित है, और इस प्रकार से है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 4, ओके। तो एफ इनवर्स ज्ञात करें, क्वेश्चन हमारा एफ इनवर्स ज्ञात करें, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो इसे अकेकी और अचादक प्रूव करूँगा। तो अकेकी और अचादक प्रूव करने के लिए मैं एक हेडिंग लगा लेता हूँ, अकेकी या बहुअकेकी, ठीक है। मान लेंगे पहला स्टेप है, माना x1 और x2 ये दो अवयव हैं R के, ये प्रांत लेना हमने, ठीक है, प्रांत के दो अवयव हैं, तथा fx1 = fx2, ठीक है। fx1 मेरे पास में कितना हो गया, 3x1 + 4, और ये हो गया 3x2 + 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में यहाँ सरल करने से x1 = x2 आ गया, इसलिए एफ अकेकी फलन है, ठीक है, पहला काम हो गया। अब हम इसे अचादक या अंतरक्षेपी प्रूव करेंगे। देखो ये अगर इक्वल टू नहीं आता या एक से ज़्यादा वैल्यूज आ जाती तो बहुअकेकी लिखते हम यहाँ, ठीक है। अब दूसरी हेडिंग लगा लेते हैं, अचादक या अंतरक्षेपी, ठीक है भाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि चूंकि इसका सहप्रांत कितना दिया गया है, सहप्रांत है मेरे पास में आर, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू है वो कहाँ से लेनी है, हमने आर में से लेनी है ये, ठीक है। अब मैं ये 3x + 4 ये बनाता हूँ, तो पहले तो मैंने इसे इस प्रकार से लिख लिया कि एक्स है वो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में, क्योंकि आर वास्तविक संख्या है, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस अनंत < 3x < अनंत, अब 4 जोड़ दिया तो अनंत में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो माइनस अनंत < 3x + 4 > अनंत, ठीक है। तो ये मेरे पास में बन गया माइनस अनंत > fx > अनंत, यानी कि इसका fx की जो वैल्यू है वो कहाँ से होगी, वो भी आर से होगी, क्योंकि माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में आ गया, यानी कि इसका परिसर आ गया, इसलिए परिसर और सहप्रांत समान है, क्योंकि सहप्रांत आर था और इसका परिसर भी मेरे पास में आर आया है, तो परिसर और सहप्रांत समान है, अतः एफ अच्छा है। अब चूंकि अकेकी फलन भी है और ये अच्छादक भी है, तो इसका एफ इनवर्स विद्यमान होगा, विद्यमान है, ठीक है। अब हम एफ इनवर्स ज्ञात करेंगे ना। अब एफ इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहला स्टेप हम करेंगे कि एफ एक्स को वाई के बराबर मान लेंगे, ठीक है। यहाँ से मेरे पास में एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई आ जाएगा, ठीक है,
ये एफ इधर चला गया तो एफ इनवर्स वाई हो गया। एफ एक्स की अब इसको सोल्व भी करते हैं अपन। एफ एक्स की वैल्यू ले ली 3x + 4 = y। आपने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू हो गई y - 4/3। x की वैल्यू ये भी है f इनवर्स y और x की वैल्यू ये भी है, तो इन दोनों से मिला के मेरे पास में मैं थोड़ा जगह कम है तो यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है भैया। तो इसलिए मेरे पास में f इनवर्स y इसका मान हो गया y - 4/3, ठीक है, या फिर y - 4/3, या फिर f इनवर्स x यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। f इनवर्स x = x - 4/3, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है भाई, फाइनल सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन समझ आया आपको। अब हम इसके बाद में इसका क्वेश्चन सरल करते हैं, ठीक है, प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन सरल करते हैं। तो आइए शुरू करें। पहला क्वेश्चन कहता है, ये हम 1.2 शुरू कर रहे हैं, 1.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास में, यदि ए समुच्चय दिया गया, मुझे ए समुच्चय मेरे पास में 1, 2, 3 और 4, और बी समुच्चय कहा गया है ए बी और सी, ठीक है, सॉरी इसमें डी भी है, बुक में थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, तो ए बी सी और डी है, ठीक है। तो ए से बी में 4 अकेके अच्छादक फलन परिभाषित कीजिए और उनके प्रतिलोम फलन भी लिखिए। तो ये तो देखिएगा ए समुच्चय मेरे पास में, ठीक है, और ये हो गया बी, और इसके अंदर 1, 2, 3 और 4, और इसके अंदर है ए बी सी और डी, ठीक है। तो मैंने 4 फलन परिभाषित करने हैं जो अकेकी और अच्छादक को, यानी कि अवयव भिन्न भिन्न भी होने चाहिए और सारे अवयव आ भी जाने चाहिए। तो मान लूँगा मैं 1 का रिलेशन ए से, 2 का बी से, 3 का सी से और 4 का डी से, ये इस प्रकार से एक अकेकी अच्छादक फलन हो गया, ए के 2 बी 3 सी और 4 डी, ठीक है भी? अब मैं थोड़ा चेंज भी कर सकता हूँ, इसलिए पहले तो ये अकेके अच्छादक है, इसका इन्वर्स भी लिख देते हैं, एफ इन्वर्स एफ वन इन्वर्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास में ए वन, और ये हो गया बी टू, और ये हो गया सी थ्री, और ये डी फोर, ठीक है। अब दूसरा फलन ले लेता हूँ इसी प्रकार। अब की बार मैं ऐसा करता हूँ कि 1 का रिलेशन बी तो बी से कर देता हूँ, 2 का रिलेशन ए से कर देता हूँ, 3 का रिलेशन डी से और 4 का रिलेशन सी से, तो ये दूसरा फलन हो जाएगा, फिर वो भी उसका भी एफ इनवर्स लिखा जा सकता है इसी प्रकार से, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो अब हम इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, तो आप ये कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर दो कहता है, यदि एफ है वो आर से आर में है, और एफ एक्स = x³ - 3, तो सिद्ध करो कि एफ इनवर्स विद्यमान है। ये हमने सिद्ध करना है, ठीक है, एफ इनवर्स ज्ञात भी करना है, एफ इनवर्स भी ज्ञात करना है हमने, और एफ इनवर्स 24 और एफ इनवर्स 5, ये इतनी चीज़ें हमने ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आओ इसे सरल करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो अकेकी या बहु अकेकी, ठीक है, अगर अकेकी हुआ तो भी एफ इनवर्स विद्यमान होगा और अच्छादक भी होना चाहिए उसके लिए, तो हम पहले हेडिंग लगा लेते हैं अकेकी या बहु अकेकी। तो पहला स्टेप क्या करना है, मान लेना आपने x1 और x2 ये 2 अवयव है आर के, आर कौन सा, ये प्रांत वाला लेना हमने, ठीक है, तथा एफ x1 और एफ x2 की वैल्यू बराबर है, ये दो चीज़ें तो लेकर ही चलनी है आपने, ठीक है। ये इसको सरल करने से अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो अकेकी होगा, तो हम क्या करते हैं एफ x1 की वैल्यू रखते हैं x³ - 3, और इसको भी x²-3, और 3 से 3 कैंसिल हो गया और घनमूल भी ले लिया हमने, तो x₁ = x₂ आ गया, क्योंकि घनमूल लेने से मेरे पास में 3 मूल आते हैं, एक तो 1 आता है, एक 1 ओमेगा और ओमेगा इकाई के घनमूल अगर हम बात करें तो 1 ओमेगा और ओमेगा से, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है वो
कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। इसी प्रकार जब हम एक्स वन का घनमूल लेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे दो, क्योंकि वो आर में से तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ एक ही मूल आएगा, ये एक्स वन बराबर एक्स टू। अगर ये सी फलन में से होता, सी में से, सी से सी, तो यहाँ तीन वैल्यूज हो जाती, ठीक है, एक एक्स टू हो जाती, एक एक्स टू ओमेगा हो जाती और एक एक्स टू ओमेगा क्यूब हो जाती, सॉरी एक एक्स टू, एक एक्स टू ओमेगा और एक एक्स टू ओमेगा स्क्वायर, ये तीन वैल्यूज हो जाती अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो। यहाँ तो यहाँ यहाँ रियल नंबर है ना, इस कारण से यहाँ केवल एक ही वैल्यू आई है। इसका मतलब एफ है वो एक की फलन है, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, और सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास में, आच्छादक या अंतरछेद। ठीक है, हमने इसका परिसर ज्ञात करना होगा, तो क्योंकि परिसर ज्ञात करने के लिए मेरे पास में कई विधियां हैं, ठीक है। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने सॉरी एग्जांपल के अंदर आपको एक विधि सिखाई थी, उसके लिए हमने क्या किया था, उस प्रकार का बना लिया था। क्योंकि यह एक्स क्यूब माइनस थ्री है तो ऐसा बनाना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं इसको दूसरे तरीके से कर लूँगा। तो माना एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये मान लूँगा मैं, ठीक है, और एक्स क्यूब माइनस तीन इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू हो गया वाई प्लस थ्री की पावर वन बाई थ्री। चूँकि x हमने कहाँ से लेना था, R में से लेना था, प्रांत में से, x R में से है और इसकी राइट हैंड साइड है, उसमें कोई भी y के मैं कोई भी वैल्यू रखूँ और उसकी पावर एक बटा तीन करूँ तो क्या वास्तविक संख्या ही आएगी, हाँ। चूँकि लिखेंगे, चूँकि y के प्रत्येक मान के लिए, x वास्तविक है, अतः वाई है वो कहाँ से होना चाहिए, वाई होना चाहिए रियल नंबर में से, ठीक है, प्रत्येक मान के लिए। यहाँ कोई भी वैल्यू रखें, अगर यहाँ एक बटा दो होता, रूट होता, तो मैं कह सकता था कि अगर इसके अंदर मैं ये वैल्यू पूरी नेगेटिव बन जाए हमारे पास में वाई प्लस थ्री, तो मेरे पास में आइटा आ जाता, तो वास्तविक नहीं रहती एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो अभी यहाँ एक बटा तीन है, एक बटा तीन होने के कारण ये वास्तविक ही रहेगी हमेशा एक्स की वैल्यू वाई के प्रत्येक मान के लिए। अतः फलन अच्छा तक है, क्योंकि इस वाई की वैल्यू इसका सहप्रांति है, एफ एक्स की वैल्यू आई है ना, एफ एक्स इज इक्वल वाई माना था, एफ एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया, इसका मतलब ये इसका सहप्रांत परिसर है वो इसके सहप्रांत के इक्वल हो गया, सहप्रांत आर ही था इसका, अतः फलन अच्छा तक है, ठीक है ना। सॉरी, अभी इसका मतलब एफ इनवर्स विद्यमान है, ओके, एफ इनवर्स विद्यमान है, तो हम क्या करेंगे, अब एफ इनवर्स ज्ञात करेंगे। एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिया हमने, तो मेरे पास में आया था कि एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस तीन की पावर एक बटा तीन, और यहाँ से मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, तो इन दोनों से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि f इनवर्स y इज इक्वल टू वाई प्लस तीन की पावर, सॉरी एक बटा तीन है, एक बटा तीन, ठीक है, ये मेरे पास में इनवर्स फलन आ गया इसका, इसे x में भी लिखा जा सकता है, ठीक है भाई। अब मैंने दो चीज़ें और ज्ञात करनी है, कौन कौन सी, एक तो f इनवर्स 24 कैलकुलेट करना है और एक f इनवर्स 5 ज्ञात करना है। तो f इनवर्स y की वैल्यू यही थी मेरे पास में, तो f इनवर्स y था मेरे पास में y प्लस तीन की पावर एक बटा तीन, ठीक है भाई। नाउ y बराबर हमने 24 लिया, ठीक है ना, रखने पर f इनवर्स 24 इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये होगी 24 प्लस तीन की पावर एक बटा तीन, और ये हो गया 27 की पावर एक बटा तीन, और ये मान आ गया मेरे पास में तीन, ठीक है। इसी प्रकार से, इसी प्रकार y बराबर मैंने रख दिया 5, तो f इनवर्स 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 की पावर 1 बटे 3, और ये हो गया 8 की पावर 1 बटे 3, यानी कि ये हो गया 2, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज और आ गई मेरे पास में, तो मैंने इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व कर लिया है। f पहले तो हमने ये सिद्ध किया था कि f इनवर्स विद्यमान है, और फिर उसके बाद में हमने f
इन्वर्स का सूत्र भी याद कर लिया था जो कि ये आया था, और उसके बाद में दो वैल्यूज पूछी गई थी, एफ इन्वर्स 24 वो वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया हमने, और एफ इन्वर्स 5 पूछा गया तो वो भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलो अब इसके हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन कहता है, यदि यदि एफ है वो है आर से आर में, और एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया हमें 2x-3, तो सिद्ध कीजिए कि f एक अकेकी अचादक फलन है और f इनवर्स भी ज्ञात करिए। ये हमारा क्वेश्चन है, f अकेकी अचादक प्रूव करना है हमने, ठीक है भाई, ये प्रूव करना है और एक f इनवर्स भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। मान लेंगे x1 और x2 अकेकी बहुअकेकी के लिए, x1 और x2 ये दो अवयव r के, ठीक है, प्रांत के ले लिए हमने, तथा एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। ठीक है भाई, तो देखिए ये हो गया 2x1-3 इज इक्वल टू 2x2-3, यहाँ आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2x1 इज इक्वल टू 2x2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू आ गया x2, इसलिए एफ अकेकी है। ठीक है भाई, नाउ मैं इस क्वेश्चन को अभी जो मैंने सेकंड क्वेश्चन किया था उसकी तरह भी कर सकता हूँ। मान लेते हैं यहाँ एफ एक्स की वैल्यू y है, ठीक है, तो यहाँ हो गया 2x-3 इज इक्वल टू वाई, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आ गई y+3/2, क्योंकि x है वो कहाँ से लेना हमने, r में से, y के प्रत्येक मान के लिए x वास्तविक है, अतः तो यह y की मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ, x की वैल्यू वास्तविक आएगी जो कि इसके प्रांत में है, अतः y बिलोंग्स टू r, y r में है, इसका मतलब fx जो हमने fx की वैल्यू y मानी थी, यानी fx भी r में से है, दैट्स मीन फलन है वो अच्छादक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका सहप्रांत है वो मेरे को r ही दिया गया, परिसर भी r ही आया था। ठीक है भाई, अतः फलन अचादक हो गया, इसका मतलब एफ इनवर्स विद्यमान है। ठीक है भाई, एफ इनवर्स विद्यमान है तो हम एफ इनवर्स ज्ञात करते हैं। नाउ एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए मान लेता हूँ एफ एक्स बराबर वाई, और यहाँ से एक्स इज इक्वल टू आ गया एफ इनवर्स वाई। ठीक है, और हमने इसे सॉल्व किया था तो ये आ गया था मेरे पास में एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 3/2, इसलिए इन दोनों इक्वेशन से तो ये हो गया एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 3/2, ये फार्मूला हो गया मेरे पास में एफ इनवर्स का, ये वाई के अंदर आप इसे एक्स में भी लिख सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/2। ठीक है भाई, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी पूरा हो गया है। चलो ठीक है, आगे की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आगे की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और आगे के प्रश्न सरल करेंगे। ठीक है बच्चों।